हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक धमाकेदार रेफरल अर्निंग ऐप के बारे में बताने वाला हूँ। इस ऐप से आप पर रेफर 800 रुपए तक अर्न कर सकते हैं, और जैसे ही आप फर्स्ट रेफर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 250 रुपए और मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, चलिए आपको बताते हैं कौन सा ऐप है और कैसे आप इस ऐप से पर रेफर 800 रुपए तक अर्न कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस ऐप का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद ऐप को ओपन कर लेना, फिर लैंग्वेज सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर नेक्स्ट वाले एरो बटन पे क्लिक करना है, फिर आपके फोन पे एक OTP कोड जाएगा, उस कोड को यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे OTP कोड डाल देता हूँ। OTP कोड एंटर करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, फिर आपको लेट्स गो पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको इस ऐप का विजिटिंग कार्ड क्रिएट करना है। बेसिक डिटेल्स पूछा जाएगा, तो उसे आप फिल करके विजिटिंग कार्ड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फुल नेम एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर करना है, सिटी एंटर करना है, वर्क एक्सपीरियंस में आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 ईयर डाल देता हूँ। फिर आपको यहाँ पे ऑक्यूपेशन डालना है, यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम डाल देना, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम डाल रहा हूँ, तो आपको जो भी डालना है आप डाल देना यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रेफरल कोड डालना है, फिर जेंडर सेलेक्ट करना है। अगर आप व्हाट्सएप में कोई भी अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं इस एप्लीकेशन का, तो आप व्हाट्सएप के यहाँ पे टिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे अनटिक कर सकते हैं। फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर सेट करने का ऑप्शन आएगा। अगर आप प्रोफाइल पिक्चर सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आप प्रोफाइल पिक्चर बाद में भी सेट कर सकते हैं। आई विल डू इट लेटर पे क्लिक करता हूँ, फिर आपका विजिटिंग कार्ड सक्सेसफुली बन जाएगा। फिर आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे ग्रोमो ऐप का एक ट्रेनिंग पेज ओपन होगा, तो सिंपली आपको क्रॉस कट पे क्लिक करके क्लोज कर देना है इस पेज को। चलिए आपको बताते हैं सेल क्या करना है। सो गाइस, बेसिकली यहाँ पे रेफर करना होता है। अगर कोई डिजिटल सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करना चाहता है तो आप उसे बैंक अकाउंट रेफर कर सकते हैं और उससे आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर कोई डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहता है तो आप उसे डीमेट अकाउंट रेफर कर सकते हैं और उससे भी अर्निंग कर सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड भी रेफर कर सकते हैं। अगर आप इस ऐप के थ्रू बैंक अकाउंट को रेफर करते हो तो आप यहाँ से बैंक रेफर करके पर रेफर 475 रुपए तक अर्न कर सकते हो। सभी बैंकों का अलग अलग रेट है। अगर आप कोटक 811 बैंक को रेफर करते हो तो आपको यहाँ पे 200 रुपया मिलता है, और जुपिटर मनी अकाउंट अगर आप ओपन करवाते हो किसी को तो आपको यहाँ पे 300 रुपया मिलता है, और अगर आप यहाँ से एक्सिस बैंक का अकाउंट ओपन करवाते हो किसी से भी तो आपको यहाँ पे 475 रुपया मिलता है। आपको यहाँ पे एक रेफरल लिंक मिलता है, उस लिंक के द्वारा आपको किसी को भी रेफर करना होता है और वो अकाउंट को डिजिटली ओपन करता है और डिजिटली KYC कर लेता है, तो आपको यहाँ पे जो भी अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है ये अमाउंट आपको मिल जाता है। सो यहाँ से आप बैंक अकाउंट को रेफर करके बहुत ही अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आप डीमेट अकाउंट रेफर करके कितना अर्न कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अपस्टॉक डीमेट अकाउंट को रेफर करते हो तो आपको यहाँ पे 800 रुपए तक मिलता है, और अगर आप यहाँ पे पेटीएम मनी डीमेट अकाउंट को रेफर करते हो तो आपको यहाँ पे 300 रुपए मिलता है, और अगर आप यहाँ पे ग्रो डीमेट अकाउंट को रेफर करते हो तो आपको यहाँ पे 500 रुपए मिलता है। उसी तरह से यहाँ पे क्रेडिट कार्ड अगर आप रेफर करते हो तो आपको यहाँ पे 250 रुपए तक मिलता है। तो गाइस, चलिए आपको बताते हैं इस एप्लीकेशन से आप जो भी पैसा कमाएंगे वो पैसा कहाँ पे शो करेगा। सबसे पहले आपको होम पेज पे आ जाना है। यहाँ पे टॉप राइट साइड में वॉलेट का एक आइकन मिलेगा, उस आइकन पे क्लिक करके आप अर्निंग देख सकते हैं। आप जो भी पैसा कमाएंगे यहाँ पे सारा पैसा आपका यहाँ पे शो करेगा, और आपका बैंक अकाउंट में जो भी पैसा क्रेडिट होगा वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा। तो गाइस, चलिए आपको बताते हैं कैसे आप ग्रोमो ऐप में KYC करेंगे और बैंक डिटेल्स को कहाँ पे फिल करना है। सबसे पहले आपको होम पेज पे आ जाना है, फिर आपको टॉप लेफ्ट साइड में 3 लाइन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। फिर आपको एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है, फिर आपको कम्युनिकेशन एड्रेस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है। जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस है वही एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर आपको यहाँ पे सिटी डालना है, उसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड एंटर करना है, फिर सबमिट पे क्लिक करना है। फिर कम्युनिकेशन एड्रेस में ग्रीन टिक लग जाएगा। अब आपको KYC डिटेल्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आधार कार्ड का 2 फोटो अपलोड करना है, एक फ्रंट फोटो अपलोड करना है और एक बैक फोटो अपलोड करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आधार कार्ड का फ्रंट फोटो अपलोड करना है। सिंपली आपको यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे कैमरे से फोटो खींच के भी अपलोड कर सकते हैं या फिर आप गैलरी से भी अपलोड कर सकते हो। तो मैंने अपने कैमरे से पहले ही फोटो खींच के रखा, तो मैं यहाँ पे गैलरी से अपलोड करूंगा। तो सिंपली यहाँ पे गैलरी पे क्लिक करता हूँ, फिर अलाउ पे क्लिक कर देना, फिर आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ से आपको फ्रंट फोटो को सिलेक्ट कर लेना है, फोटो सिलेक्ट करते ही ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा, और फिर आपके आधार कार्ड के बैक फोटो को अपलोड करना है। फ्रंट और बैक फोटो अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे बैंक डिटेल्स फिल करना है। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप यहाँ पे जिसका भी बैंक डिटेल्स फिल कर रहे हैं सेम पर्सन का यहाँ पे पैन कार्ड रहना चाहिए, तब आपका बैंक डिटेल्स वेरीफाई होगा। सबसे पहले अकाउंट होल्डर का नाम लिखना है, फिर अकाउंट नंबर एंटर करना है, उसके बाद IFSC कोड एंटर करना है, और फिर पैन नंबर एंटर करना है, उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। फिर स्क्रीन पे एक मैसेज होगा, योर अकाउंट डिटेल्स आर वेरीफाइड, फिर आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा, और आप इस ऐप में जितने भी अर्निंग करेंगे वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।